नमस्कार, आइए चलते हैं एक नए मुकदमे के तलाश में, एक नई शख्सियत से सवाल पूछने आपकी अदालत में। न राजम न च राजासी, न दंडो न च दंडिका, धर्मेणेव प्रजा सर्वा रक्षन्ति स्म परस्परम्। नेता और अभिनेता राजेश खन्ना जनता की अदालत में हाजिर हो। साइलेंस, अदालत की कार्यवाही शुरू की जाए। मैं पहले राजेश खन्ना साहब से चाहूंगा कि वे कसम खाएं, दिल पर हाथ रख करके कहें कि जो कुछ कहेंगे, आपने फिल्मों में बहुत बार ऐसे कहा होगा, मैं चाहता हूं कि जनता के सामने दिल पर हाथ रख कर कहें कि मैं जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। वैसे आजकल दिल कहां मिलता, बड़ी मुश्किल से मिलता है दिल। किसे अपना कहें कोई इस काबिल नहीं मिलता, या पत्थर तो बहुत मिलते हैं लेकिन दिल। मैं दिल पर हाथ रखकर कसम खाता हूं कि मैं सच्ची कहूंगा। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के। नेता और अभिनेता राजेश खन्ना अपनी मुकदमे की पैरवी खुद करेंगे। जज हैं दैनिक हिंदुस्तान की जॉइंट एडिटर मृणाल पांडे, और जनता की ओर से सवाल पूछेंगे रजत शर्मा। आपकी अदालत में राजेश खन्ना पर इल्जाम है कि बहुत आरोगंट हैं। खन्ना साहब, आपकी जो फिल्मी जिंदगी है उसमें तो आप बहुत रोमांटिक हीरो रहे हैं, लेकिन सुना है कि जाती जिंदगी में आप काफी एरोगेंट हैं। रजत साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, अगर मैं एरोगेंट हूं तो इन सब प्रोड्यूसरों ने मेरे साथ बार बार फिल्में कैसे बनाई, मुझे कैसे रिपीट किया बार बार, और हमारी जो ऑडियंस है, हमारे जो लोग हैं जिन्होंने मुझे एक्टर से स्टार बनाया, स्टार से सुपरस्टार बनाया, अगर मैं एरोगेंट होता तो मुझे कभी ना बनाते। अगर मैं एरोगेंट होता तो आज दिल्ली के लोग जिन्होंने मुझे संसद तक पहुंचाया वो कभी ना पहुंचाते, क्योंकि एरोगेंट होता तो एरोगेंस नजर आती है, क्योंकि ये पब्लिक है, सब जानती है अंदर क्या है बाहर क्या, सब पहचानती है, ये सब जानते हैं। इन लोगों से कुछ छुपा नहीं है, कोई नहीं छुपा सकता है। यहां भी जो जनता बैठी है मुझसे प्यार करती है, हमारे जज साहब हमें प्यार करते हैं। आप करते हैं कि नहीं रजत साहब? मैं जरूर प्यार, मैं जरूर प्यार करता हूं खन्ना साहब, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि जो आपकी एरोगेंस है, जिसको आपने स्टाइल बना लिया अपना, वो फिल्मों में तो चल गई, पॉलिटिक्स में भी एरोगेंस जारी रखेंगे? देखिए, मैंने अभी अभी आपको बताया कि अगर एरोगेंट होता तो ये मुझे वहां तक नहीं पहुंचाते, मुझे जिताते नहीं, और यहां तो मैं जनता की सेवा में आया। जनता की सेवा कैसी करते हुए तो हमने देखा है, आपने राजीव गांधी को फंसाया अपने रोमांस के जाल में, उनसे टिकट ली, फिर आपने नस्से महाराज को फंसाया अपने जाल में, उनसे टिकट ली, ये जादू कैसे चलाते हैं आप? अगर मैं ये कहूं कि भाई उन्होंने ये समझा कि मैं वफादार हूं तो ऐसे लगेगा मैं आपकी तारीफ कर रहा हूं। अगर मैं कहूं कि मैं एक अपने पार्टी का वफादार सिपाही हूं, होनार सिपाही हूं, फिर ऐसा लगेगा मैं खुद अपनी तारीफ फिर कर रहा हूं। अगर मैं कहूं कि उन्होंने मुझे काबिल समझा कि मैं पार्टी का काम कर सकता हूं, देश की सेवा कर सकता हूं, फिर लगेगा मैं अपनी तारीफ कर रहा हूं, और अपनी तारीफ करना अच्छी बात थोड़ी है रजत साहब। आप अपने मुंह से तो अपनी तारीफ नहीं करते, लेकिन मैंने सुना है आपके साथ एक चमचों की फौज रहती है जो लगातार आपकी तारीफ करती है।
तारीफ तो ऊपर वाले को भी पसंद है, मैं तो फिर भी इंसान हूं। तारीफ तो खुदा को भी पसंद है। रही चमचों की बात, चमचों से मेरा क्या वास्ता है, मुझे तो हाथ से खाने की आदत है। एक दौर था आपके फिल्मी दुनिया में नंबर वन होने का, आपका वो तख्त, वो ताज, वो तो बिखर गया ना। आप तख्त की बात करते हैं, ताज की बात करते हैं, मैं यही कहूंगा कि किंग इज अ किंग, वेदर ऑन थ्रोन और इन एग्जाइल, वो तख्त ताज पे हो या रेगिस्तान में हो, किंग इज ऑलवेज अ किंग। जनता की ओर से आपकी अदालत में मुलजिम राजेश खन्ना पर ये आरोप है कि उन्होंने अपने जीवन में आए महिलाओं के साथ बुरा बर्ताव किया। खन्ना साहब, आपकी जो फिल्में थी उनके तो नाम होते थे आशिकों बहारों का, छैला बाबू, मर्यादा, लेकिन असली जिंदगी में, जाती जिंदगी में आप बंदरबाज निकले। जिस महिला से आपका संबंध हुआ उससे आप अपने मिसबिहेव किया। देखिए, अगर जो भी महिलाएं मेरी जिंदगी में आई हैं, वजह साहब ये बड़ा एक पर्सनल सा सवाल है, तो पर्सनल सा सवाल आप ना पूछे तो बेहतर है। आमतौर पर आपकी अदालत में हम पर्सनल सवाल नहीं पूछते, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो अंजू महेंद्रू से आपने, ये पर्सनल सवाल नहीं है, सब जनता जानना चाहती है, इतने बरस आप जनता का नाम लेकर अदालत को आप गुमराह कर रहे हैं। नहीं, जनता जानना चाहते हैं, पूछे जनता जानना चाहते हैं, अच्छा पूछे। तो मैं जनता की अदालत में जनता की ओर से, जनता के चहेते राजेश खन्ना से सवाल पूछना चाहता हूँ। हाँ, कुछ अंजू महेंद्र से पूछ लेते हैं जी। देखिए, उनके साथ जो मेरा संबंध रहा कुछ 10-11 साल, फिर उसके बाद डिंपल जी के साथ कोई 8-9 साल, तीनों को भूल गए जी, बिल्कुल उनके साथ भी कोई 9-1 साल, और आज ये तीनों जो है, आज मेरा जो संबंध है वो इतना प्यारा सा है, दोस्ती है। तो अगर हमने धोखा दिया होता तो आज दोस्ती क्यों होती। देखिए, वैसे भी प्यार तो एक तरफा होता है, दो तरफा तो समझौता होता है या संबंध होता है। आप उनको धोखा देते रहे। धोखा किसने किसको दिया है ये तो मेरा दिल ही जानता है, और किसी एक के साथ भी अगर धोखेबाजी की होती तो, पिछले मेरे इलेक्शन में डिंपल जी भी थे, मेरे बच्चे भी थे, सभी थे, कंधे से कंधा मिलाकर साथ में खड़े रहे, तो क्या ये होता इस तरह? ऐसा कि मैगजीन वाला में हमने पढ़ा कि आपने डिंपल जैसे मिस बिहेव या थोड़ी मारपीट की, किस वजह से वो आपसे अलग हुई? चलते चलते कहीं कभी प्यार कम भी हो जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई वो रिश्ते टूट जाते हैं। आज भी अगर हम अलग हैं, लेकिन चाहे एक छत के नीचे ना रहते हो, लेकिन आज भी हम मिलते हैं, बच्चे भी मिलते हैं एक साथ, कोई भी घर की समस्या हो या कोई भी प्रॉब्लम हो हमसे राय ली जाती है। आज हमारी बिटिया भी फिल्मों में काम कर रही है, तो अगर हम नहीं चाहते या वो नहीं चाहते, ये दोनों की मर्जी से हुआ है। खन्ना साहब, भाई उनका सवाल था कि आपने उनके साथ मारपीट की थी या नहीं, फिल्म में या वैसे? अगर आज भी इतना प्यार है या इतना संबंध अच्छा है तो मारपीट होती तो दिखाई देती। लेकिन जो अखबारों में उस समय छपता था खन्ना साहब, लगातार इस तरह के किस्से छपते थे, ये क्या किसी किस्म का पब्लिसिटी स्टंट था? पब्लिसिटी लेने के लिए इस तरह की स्टोरी छपती थी या उसमें कोई सत्य? प्रोसिक्यूटर साहब, क्या मुझे इन सब चीजों से पब्लिसिटी लेनी है? वैसे भी अखबार वालों ने मुझे बहुत पब्लिसिटी दी, बहुत नाम दिया, बदनाम भी किया, लेकिन कभी गुमनाम ना कर सके। मुझे तो पब्लिसिटी अपने काम से मिली है, क्योंकि इंसान अपने काम से जाना जाता है, अपने नाम से नहीं। काम होगा तो नाम होगा, और मैं उन लोगों में से नहीं हूं, मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो औरत का पल्लू पकड़ के कामयाबी की सीढ़ी चढ़ते हैं। लेकिन वो खन्ना साहब, जो स्कैंडल तब शुरू हुए थे वो आज तक चल रहे हैं। ये तो अभी जर्नलिस्ट का काम है, अखबार वालों का काम है कि लिखना, तभी तो उनके मैगजीन बिकती है।
और लोग पढ़ते हैं और लोग भी हंसी मजाक में पढ़ते हैं, इसे कोई सीरियसली नहीं पढ़ता है क्योंकि दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ एंटरटेनमेंट, येलो जर्नलिज्म। साहब कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातें, कभी बीत ना जाए। इन्होंने काफी अरसों से मतलब बबीता से लेकर श्रीदेवी तक काफी फिल्मों के साथ हीरोइंस के साथ काम किया है, तो आप ये बता सकते हैं आप सबसे ज्यादा किससे इम्प्रेस हुए या कौन से हुए टैलेंटेड है या खूबसूरत है आपकी नजरों में? इसका जवाब बहुत सिंपल है। सिंपल नहीं है, डिंपल है, वो टैलेंटेड भी है और खूबसूरत भी। और अब शुरू होता है आपकी अदालत में नेता और अभिनेता राजेश खन्ना पर इल्जाम का दूसरा दौर। मुंजिम राजेश खन्ना पर आपकी अदालत में ये इल्जाम है कि ये दिल्ली की राजनीति पर कब्जा जमाना चाहते हैं। खन्ना साहब, आप जब फिल्मों में थे तो आपके पास नाम था, शोहरत थी, पैसा था, मकान थे, फिर आप ये दिल्ली क्या करने आए? दिल्ली में एक कर्ज चुकाने आया, और वो कर्ज है कि यही जनता ने मुझे प्यार दिया। प्यार मुझे मिलता तो था लेकिन उस प्यार को मैं लौटा ना सका, तो आज उस कर्ज को चुकाने आया हूं, यहां इस दिल्ली में आया हूं, उस प्यार को लौटाने आया हूं, आप सबकी सेवा में आया हूं। मैं उनकी अदालत में हूं, कंधे से कंधा मिलाकर, हाथ से हाथ मिलाकर, पांव से पांव मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर चल रहा हूं। खन्ना साहब, ये तो नेता और अभिनेता का एक कंबाइन भाषण होता है। असल में मैंने सुना कि जब आप अभिनेता थे तो उस समय आपकी सफेद कार अगर कहीं खड़ी होती थी तो वो लिपस्टिक के निशानों से लाल हो जाती थी। आजकल जो आपकी गाड़ी है उसका क्या हाल होता है? रजत साहब, आज वो निशान है, उस वक्त वो लिपस्टिक के लाल रंगों के निशान थे, लेकिन आज उन हाथों के निशान है उस गाड़ी पर, उस मुझ पर, वो हाथ जो मुझे आशीर्वाद देते हैं, वो हाथ जो मेरे लिए दुआ करते हैं, वो हाथ जो मुझसे प्यार करते हैं। अगर मैं किसी झुग्गी झोपड़ी में जाता हूं और जब घूमता हूं तो वहां जब गर्मी कड़कती धूप के नीचे कभी एक मौसी पूछती है कि बेटा चाय पियोगे, तो मैं कहता हूं हां मां, वही मंदिर पर बैठ के पियेंगे। बेटा तुझे याद है अभी तक पिछली बार जब मैंने तुझे चाय पिलाई थी? मैंने कहा जी हां याद है मुझे, वो एक मां का प्यार, वो आशीर्वाद, ये सब कुछ मुझे मिला। लेकिन जो जर्नलिस्ट थे, जो अखबार वाले थे, उनको सिर्फ लिपस्टिक का वो लाल रंग की सुर्खियां जो थी वो नजर आती थी, लेकिन वो हाथों के निशान वो नहीं कभी कभी उनको नजर आए। वो भूल गए उन हाथों को, वो भूल गए उस आशीर्वाद को, उनको सिर्फ उस वक्त लाल रंग नजर आया, लेकिन आज वो दुआएं नजर नहीं आए, क्योंकि दुआएं दिल से निकलती है और दिल पर हाथ रख के आदमी जब दुआ करता है तो हाथों के निशान दिल पर भी रहते हैं, उस अम्बेसडर गाड़ी पर भी रहते हैं, मेरे घर पर भी होते हैं, चाहे जिस रास्ते पर चलो उस रास्ते पर वो दुआएं हैं, वो प्यार है, वो आशीर्वाद है। जर्नलिस्ट को यह भी याद है कि जब आप दिल्ली में आए आपने लोधी एस्टेट के मकान पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया, अखबार वालों को यह भी याद है, ये चीज भूल नहीं सकते हैं। क्या बात कर रहा है रजत साहब, मैं किसी मकान पर कब्जा करूंगा? जिस बिरादरी से मैं आया हूं, जिस बैकग्राउंड से मैं आया हूं, वहां मुझे जाकर एक सरकारी मकान पर कब्जा करना है? ये तो कहीं एक राजनीति थी, कुछ दिल्ली वालों की राजनीति थी, कुछ पुराने जो पॉलिटिशियन दिल्ली के थे उन्होंने तो, उनका बस चले तो पानी पर भी राजनीति करते हैं वो, मुझे क्या मालूम था एक मकान को लेकर। और एक बात बताऊं मैं आपसे रजत साहब, आज भी वो मकान है जहां 81 लोधी स्टेट, वहां पर मैं रहता नहीं हूं, वहां पर सिर्फ मैं लोगों को मिलता हूं, क्योंकि वो सेंट्रली है मकान, लोगों के लिए कोई भी आदमी बस पकड़ सकता है, पैदल आ सकता है, इतना सेंट्रलाइज्ड है, वहां मैं लोगों से मिलता हूं। लेकिन रहता आज भी मैं वहां हूं डीडीए फ्लैट में, वसंत कुंज में, वो 2 बेडरूम फ्लैट में रहता हूं, तो क्या मैं ये छोटा सा मकान या एक मकान को कब्जा करूंगा? क्या मैंने अपने दिनों में, क्या मैं अपने स्टारडम में या अपने उन फिल्मी जमाने के वक्त
क्या मेरे पास क्या भगवान का दिया क्या नहीं था, सब कुछ है, आज भी है, वो मकान भी है, वो बड़े बड़े मकान बंबई में नहीं बल्कि बहुत सारे शहरों में है, तो मैं एक छोटे से मकान पर कब्जा करूंगा। तो आप ये कह रहे हैं कि आप मकान पर कब्जा नहीं कर रहे, आप दिल्ली की पॉलिटिक्स पर कब्जा कर रहे हैं, आप उन लोगों को उखाड़ के फेंकना चाहते हैं जो दिल्ली में पॉलिटिक्स कर रहे हैं। आपकी पार्टी के बड़े बड़े नेता है, एच के एल भगत साहब है, आर के धवन है, जगदीश टाइटलर है, आप उनको उखाड़ फेंकने की कोशिश में लगे हुए। मुद्दे लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर है। मैं कौन होता हूँ किसी को उखाड़ने वाला, या मैं कौन होता हूँ। आपने अभी कहा कि आप एम्बेसडर में जाते हैं, क्या कभी आपने दिल्ली की सड़कों में रेड लाइन बस से सफर किया है? मैंने न्यू दिल्ली की एक एक सड़क नापी है, और सिर्फ बस से नहीं, रेड लाइन से नहीं, बल्कि ऑटो रिक्शा से भी, बाकी अपनी गाड़ी से भी और पैदल भी। जब मैं पहला इलेक्शन हारा, ये तो वही बात थी, इसलिए कह रहा हूं कि भाई बेगानों से बचा कर लाए थे, अपनों ने मार डाला, तो ये समझ लीजिए हाँ जी मैं हारा पहला इलेक्शन। तो उस वक्त मैंने लोगों से ये कहा था कि मैं हारूं या जीतूं, मैं दिल्ली में ही रहूंगा आपकी सेवा में। इलेक्शन के बाद भी, इलेक्शन के वक्त भी, हमने वो सड़कें नापी है कि एक एक सड़क की जान पहचान है, क्योंकि एक एक सड़क पर मेरे पांव के खून के डब्बे लगे हुए हैं वहां पर, क्योंकि एक एक चप्पल के साथ, कभी ऐसा भी हुआ कि दो चप्पलें भी एक साथ नहीं पहनी है। हम तो आए थे उस एयर कंडीशन कमरों से, उस एयर कंडीशन गाड़ियों से, लेकिन हमने कड़कती धूप में उन सड़कों पर सड़कें नापी हैं लोगों की सेवा में। तो बस की बात तो बहुत दूर की है, हम तो पैदल की बात कर रहे हैं। जब आप शत्रुघ्न सिन्हा जी के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे थे, तो क्या आपने महसूस नहीं किया कि महज इलेक्शन में जीत हासिल करने के लिए राजनीतिक पार्टियां आप दोनों अभिनेताओं को इस्तेमाल कर रही हैं? जिस पार्टी की आप बात कर रहे हैं, बीजेपी की, इनका तो काम है कि एक भाई को दूसरे भाई से लड़ा देना। हम तो दोनों एक ही बिरादरी से आए थे, ये बीजेपी पार्टी का काम है एक दूसरे को लड़ाना, एक दूसरे को अलग कर देना, भाई भाई को अलग कर देना। कांग्रेस का काम है उनको जोड़ना, बेशक जहां ये तोड़ने आते हैं कांग्रेस वहां जोड़ने जाती है। देखिए इनका इतिहास भी देख लीजिए, जब रामायण में राम और सीता, सीता और राम, वहां पर रावण ने राम को सीता से अलग कर दिया। वो एपिक को छोड़िए, आज की हिस्ट्री में देखिए, आज के हालात में देखिए, इनकी पार्टी ने क्या किया। जब चुनाव हुए 2 साल पहले लोकसभा के, इन्होंने टिकट सीता को दी, रावण को दी, राम को नहीं दी। इन्होंने राम को सीता से अलग रखा। आप देख लीजिए लोकसभा में सीता है वहां और रावण भी है, लेकिन जिसने राम का पाठ अदा किया, जो राम बना, जिसने राम की भूमिका अदा की, उसको टिकट नहीं दी। ये आज इस देश में भी यही कर रहे हैं, एक भाई को दूसरे भाई से अलग कर रहे हैं, हिंदू को मुसलमान से, सिख को ईसाई से, लेकिन ये किनको अलग कर रहे हैं? मैं आपको बतलाना चाहता हूं, और मैं आपसे पूछना भी चाहता हूं कि किसको अलग कर देना चाहते हैं? हमको अलग कर देना चाहते हैं? हम इस हम का मतलब भी समझते हैं ये लोग? हम ह और म से बनता है, हम ह से हिंदू, म से मुसलमान। और तब जब ह को म से अलग कर दिया जाएगा, जब हिंदू को मुसलमान से अलग कर दिया जाएगा, ह तो जल कर खाक हो जाएगा ऊपर आसमान में, और म दफना दिया जाएगा जमीन में। मुंजिम राजेश खन्ना पर यह आरोप है कि उन्होंने अपनी फिल्मी लोकप्रियता का राजनीति में आगे बढ़ने के लिए नाजायज फायदा उठाया है। हमने देखा कि आपकी जो स्टार्डम थी, जो पॉपुलैरिटी थी, उसका सहारा लेकर के आपने वोट लिए, और आज के कार्यक्रमों में मैं देख रहा हूं कि आपकी जो फिल्मी डायलॉगबाजी, जो स्टाइल है, फिल्मी अंदाज, उसका फायदा उठा रहे हैं आप सवालों के जवाब देने के लिए। 25 साल से फिल्म ही किया है, तो क्या मैं कोई जर्नलिस्ट की तरह थोड़ी बोलूंगा? तो 25 साल यही किया है ना, तो यही स्टाइल में बोलूंगा, कोई कसाई के स्टाइल में तो नहीं बोलूंगा। फिल्मों में हम देखते हैं आजकल पॉलिटिक्स का बहुत इस्तेमाल होता है,
हर फिल्म में जो विलेन है वो पॉलिटिशियन होता है आजकल, तो जो आपकी पॉलिटिक्स है उसमें कुछ एक्टिंग का फायदा होता है आपको? देखिए, फिल्म हो या एक्टिंग हो, एक्टिंग हो या फिल्म हो, दोनों जगह टॉप पे रहने के लिए जेन्युइन टैलेंट का होना बहुत जरूरी है। तो आप मानते हैं कि ये जेन्युइन टैलेंट की वजह से आपको ये पॉलिटिकल प्लेसमेंट मिली हुई है? जी हाँ, चाहे कोई भी काम हो, जहां पर आप हैं, जिस काम में भी हो, वहां पर टैलेंट की आवश्यकता बहुत जरूरी है। उस टैलेंट का और उस क्लाउड का आपने ऐसा इस्तेमाल किया कि आपने अभी तक इनकम टैक्स नहीं दिया। ये तो पार्लियामेंट में लिस्ट दी गई है खन्ना साहब, उसमें आपका नाम है सबसे ऊपर। मैं इसका सवाल, इसका जवाब इस तरह, अगर घबरा रहे हमारे जज इनकम टैक्स की बात से? नहीं, मैं तो हमारे जज साहिबा जो हैं उनसे इजाजत लेना चाहता था कि अगर उनकी इजाजत हो जो मैं बोलने जा रहा हूं, अगर इफ आई कैन गेट अवे विद दिस बाय सेइंग दिस कि जैसे हमारे एक बहुत बड़े नेता, बहुत सीनियर नेता, बहुत महान नेता, बड़े बुजुर्ग नेता ने कहा था कि जब उनसे पूछा गया था कि भाई आपने इनकम टैक्स क्यों नहीं भरा, तो उन्होंने कहा मैं भूल गया था। तो आप ये बाबू जगजीवराम की तरह का कोई रास्ता ढूंढ रहे हैं? जी, मैंने ये कहा कि कोई एक बहुत बड़ा पॉलिटिशियन उसने ये कहा। देखिए साहब, कम से कम मैं उन लोगों की तरह तो नहीं हूं कि जिन्होंने पॉलिटिकल प्रेशर से, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि कुछ गवर्नमेंट पहले, जब कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं थी, किसी एक शख्स ने पीएम के दफ्तर में बैठ के इनकम टैक्स की फाइलें खुलवाई और अपने केस जो है वहां पर फैसले करवाए। कम से कम मैं वो तो नहीं करवा रहा हूं, ये मैं इस गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूं। पीएम के ऑफिस में बैठकर ऐसा एक बड़ा इनकम टैक्स का, मेरा तो इनकम टैक्स कुछ भी नहीं है। आप इनकम टैक्स देंगे कि नहीं देंगे ये तो बता दीजिए। देखिए, सेटलमेंट कमेटी में गया है, जो सेटलमेंट कमेटी अदालत का फैसला होगा, वहां की अदालत का फैसला होगा, वो अदालत का फैसला मुझे मंजूर होगा। खन्ना साहब, जब शत्रुघ्न सिन्हा साहब आपकी अदालत में आए थे तो उन्होंने कहा था पॉलिटिक्स इज द लास्ट रिफ्यूज फॉर स्काउंडल्स। जब खुद ही उन्होंने अपने बारे में यह कह दिया तो मैं क्या कहूं। उनका सवाल यह था कि किस तरह से जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो फिल्म एक्टर्स की लोकप्रियता का इस्तेमाल करती हैं, वो किस तरह से, जैसे राजीव गांधी के साथ अमिताभ बच्चन एक समय रहे, जब उन्होंने अमिताभ बच्चन को तिलांजलि दे दी तो जो आपकी पॉपुलैरिटी थी, आपकी शोहरत थी, आपको लोगों को जो प्यार मिलता था आपको, उसका इस्तेमाल किया है कांग्रेस पार्टी के फायदे के लिए? कोई किसी का यहां इस्तेमाल नहीं करता, लोग सिर्फ एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते। आपको जो लोगों की शोहरत मिली थी फिल्मों की वजह से, 25 साल आप सुपरस्टार रहे, एक रोमांटिक हीरो की इमेज रही, उसकी वजह से लोग आपको प्यार करने लगे, लोग आपको पहचानने लगे, लोग आपकी बात सुनने लगे, क्या उस पॉपुलैरिटी का इस्तेमाल किया नहीं किया? आपने तो मुझे इतने कॉम्प्लीमेंट्स दे दिए, मुझे तो समझ में नहीं आता कि इसका जवाब मैं किन अल्फाजों में दूं, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि आप ना जाने मुझको समझते हैं क्या, ना तो कुछ भी नहीं। इतनी बड़ी भीड़ का प्यार मैं रखूंगा कहां, इतनी बड़ी भीड़ का प्यार मैं रखने के काबिल नहीं मेरे हमदम, मेरे दोस्त। इज्जतें, शोहरतें, उल्फतें, चाहते सब कुछ इस दुनिया में रहता नहीं। इज्जतें, शोहरतें, उल्फतें, चाहते सब कुछ इस दुनिया में रहता नहीं। आज मैं हूं जहां, कल कोई और था। आज मैं हूं जहां, कल कोई और था। ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर था। जिस समय अमिताभ बच्चन आपकी जगह ले रहे थे धीरे धीरे, उस समय आपको कैसा महसूस हो रहा था? देखिए, क्या है कि थिंग विच राइजेस मस्ट फॉल एंड विच फॉल्स मस्ट राइज, इट इज अ सर्कल, इट इज अ साइकिल। जहां मैं था आज कोई और है। जिस समय वो स्लिप कर रहे थे अपने फिल्म कैरियर में, अपने पॉलिटिकल कैरियर में, तो आपको क्या महसूस हो रहा था? मैं हंस रहा था। आप सैडिस्टिक प्लेजर ले रहे थे उसमें? जी नहीं, जी नहीं, गलत है रजत साहब, ये गलत है। जब जब वो स्लिप कर रहे थे मैं हंस रहा था,
और ये कह रहा था कि जो जो गलतियां मैंने की हैं वो गलतियां वो किए जा रहा है। तो हंसी उन पर नहीं थी, हंसी मेरी मुझ पर मेरे अपने आप पर थी। खन्ना साहब, उन्हें पॉलिटिक्स में आने के बाद में लगा कि उन्होंने बड़ी गलती कर दी, आपको भी लग रहा है कि कोई गलती तो नहीं हो गई? देखिए, इंसान वो है जो अपने गलती को माने, लेकिन जो गलती महसूस करता है वो बहुत बड़ा होता है अंदर, लेकिन जो ये समझे कि वो गलती नहीं कर रहा है और सही रास्ते पर है, तो जिस रास्ते पर ऊपर वाले ने हमें डाल दिया है, जिस रास्ते पे इनका प्यार हमें मिलेगा, मैं तो यही कहूंगा कि हम तो गुजर जाएंगे वहां से और खुशी खुशी चले जाएंगे, क्योंकि हम तो यही कहते हैं कि बहुत कम उदास रहते हैं हम, क्यों? कुछ हवा ही ऐसी चली है, वरना हम बहुत कम उदास रहे। जवाब लाल किशन अडवाणी से, जय पॉलिटिशियन के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे थे तो आपका दबा रहे थे। मैं एक दूसरी दुनिया से आया था, मेरे पीछे कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था, कोई पॉलिटिकल एक्सपीरियंस नहीं था, और मैंने चुनाव उनके सामने जब मैं लड़ा तो इतनी बड़ी महान हस्ती के सामने, लेकिन मैं रजत साहब आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि इलेक्शन के दिन जब मेरा कैंडिडेचर अनाउंस हुआ सुबह 5:30 बजे, तो 6:30 बजे अडवाणी जी के यहां एक बड़ी इमरजेंसी मीटिंग हुई जहां बड़े बड़े लीडरान आए बीजेपी के, और वहां पर कुछ फैसले हुए, और अडवाणी जी 7:30 बजे एक प्राइवेट प्लेन लेकर अहमदाबाद गए गांधीनगर, वहां से अपने पेपर फाइल नॉमिनेशन करने के लिए, जबकि दिल्ली से लड़ रहे थे तो वो गुजरात क्या करने गए? मैं तो सिर्फ एक राजेश खन्ना छोटा सा एक एक्टर था ना उनके सामने। किसकी थी घबराहट? मेरी थी, उनकी थी। किसकी थी? आप जवाब दीजिए। फिर भी मैं हार गया या हरवाया गया, जो भी था। ये हरवाया भी आपने पहले भी कहा था, किसने हरवाया आपको जरा ये बता दीजिए। देखिए साहब, मुझे इस बात की खुशी है क्योंकि देखिए जब जंग होता है तो एक जीतता है तो दूसरा हारता है। देखना यह चाहिए कि जंग किस तरह से लड़ी गई है, हार जीत तो चलती रहती है, लेकिन इस हार में मैंने देखा कि जितने भी हिंदुस्तान के पेपर थे, जितने भी हिंदुस्तान के अखबार थे, उनमें हेडलाइन ये थी कि राजेश खन्ना चुनाव हारे, राजेश खन्ना लॉस्ट द इलेक्शन। तो मुझे बहुत अरसा पहले नेपोलियन की बात याद आई कि वाटरलू की जब लड़ाई हुई उस जंग में कौन जीता यह आज तक किसी को नहीं मालूम। आप में से कोई बता दे कि वो जंग कौन कौन जीता? मैं आपसे पूछता हूं, आपको पता है कौन जीता वो जंग? अरे बड़े बड़े हिस्टोरियंस को भी नहीं मालूम है, बहुत कम लोगों को मालूम। आपको मालूम है? जी बिल्कुल नहीं मालूम। और वो इसलिए नहीं मालूम क्योंकि मुझे नेपोलियन याद है, कौन जीता वो मुझे याद नहीं। तो आप हिंदुस्तान के पॉलिटिक्स से नेपोलियन है? कि मैं नेपोलियन हूं, मैं ये कहूंगा कि मैं हारा था, लोगों ने कहा राजेश खन्ना हारा, किसी ने ये नहीं कहा कि अडवाणी जी जीते। जब आप फिल्म लाइन में रहे तो सुपरस्टार रहे, और अब ऐसी पॉलिटिकल लाइफ में ये चर्चा है कि आप मिनिस्टर बनने वाले हैं। ये तो बनाने वाले पर हैं, हम तो कांग्रेस के एक सिपाही हैं। तो मिनिस्टर बनने के बाद में सबसे पहला काम आप क्या करेंगे? मैं शपथ ग्रहण करूंगा। तो इसका मतलब आपकी पूरी तैयारी है, ये सारे जो काम हो रहे हैं इसीलिए हो रहे हैं कि आपको मिनिस्टर बनने का मौका मिले? हम तो कांग्रेस के एक सिपाही हैं, कांग्रेस के एक वर्कर हैं, और हम सेवा में आए। आप हर बात में सेवा सेवा की बात कर रहे हैं। मुझे यह समझ नहीं आती बात कि जो आदमी ने 25 साल फिल्मी दुनिया देखी हो, जिस आदमी को गरीब के दर्द का नहीं पता हो, आप समझते हो कि गरीब का दर्द क्या होता है? आप समझते हैं गरीब आदमी की प्रॉब्लम्स क्या होती हैं? आप समझते हैं कि बिजली पानी दूध इनकी समस्याएं क्या होती हैं? गरीबी से बेरोजगारी से कहीं ताल्लुक है आपका? रजत साहब, मैं ये नहीं कहता कि मैं उनकी दर्द को पूरी तरह समझता हूं, लेकिन समझने की कोशिश जरूर करता हूं, और ये भी कोशिश करता हूं कि भगवान मुझे इतनी शक्ति दे, ऐसा औहदा दे कि जहां अगर एक बात रोटी की है तो वो भी मैं पूरी कर सकूं, चाहे वो झुग्गी झोपड़ी की हो, चाहे शहर की हो, या इस देश की हो।
अगर फिर भी कहीं पर कल द कमिंग टुमारो अगर मुझसे ये पूरा ना हुआ तो मैं इतना ही कहूंगा कि मैं ऊपर जाऊंगा, अगर मुझे मिलेगा तो मुझसे कहूंगा, मैं उससे कहूंगा रजत साहब कि इंसान को पैदा मत कर, अगर इंसान को पैदा करता है तो उसे दिमाग मत दे, अगर उसे दिमाग देता है तो उसे दिल मत दे, अगर उसे दिल देता है तो उसे पेट मत दे, अगर उसे पेट देता है तो भूख मत दे, अगर उसे भूख देता है तो दो वक्त की रोटी का इंतजाम करके बैठ, वरना तू इंसान को पैदा करने का हक नहीं।